हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है हमारे साथ रॉयल एनफील्ड की क्रोम ब्रोंज। तो हमने जो है इसको लेके ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है एक साल के ऊपर, और किलोमीटर ड्रिवन की भी बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव किया है 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 18,128.9, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर आ चुकी है गाड़ी का रनिंग। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और कैसी हमें जो है गाड़ी का एक्सपीरियंस ओवरऑल देखने को मिला, सर्विसिंग कितने हुए हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो 2022 का मॉडल है, स्पोक व्हील्स के साथ में। तो ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन की बात करेंगे तो फुल्ली मेंटेन्ड गाड़ी है, और डेली का रनिंग इस गाड़ी का जो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर जो है गाड़ी का डेली का रनिंग है, क्योंकि जो हमारे सर है ये यूनिवर्सिटी में ही इनका PhD चल रहा है। तो अभी जो है ये आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप क्या बोलना चाहोगे, इतने ज़्यादा अच्छा जो है आपने गाड़ी को ड्राइव कर लिया है फिलहाल में, तो कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा गाड़ी का, तो हमें हमारे जो है व्यूवर्स को कुछ बताइए। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ओके, लगभग 3 सर्विसिंग हो चुकी है। 3 सर्विसिंग हो चुकी है। ओके, और नियरली अभी आपने देखा कि लगभग 19,000 जी रनिंग हो गए, पर गाड़ी बहुत ही अच्छा एवरेज भी देती है, लगभग 35-40 35-40 तक का आपको एवरेज मिल जाता है। और बीच में आपने हमारे चैनल पे देखा भी होगा कि गाड़ी का जो है टैंक पे कुछ डेंट गिर गया था, क्या हुआ था जब उस टाइम पे? हाँ, यहाँ पे गिर गया था, तो हमने वो रिप्लेस किया। यस, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब गए थे वो, तो वहाँ पे जो है गाड़ी के ऊपर जो है कुछ पत्थर वगैरह गिर चुका था, तो यहाँ पे डेंट पड़ने की वजह से हमने जो है डेंट को कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो निकला नहीं। फिर बाद में हमने टैंक ही रिप्लेस कर दी। तो टैंक रिप्लेस करने का कितना कॉस्ट आया आपको? लगभग 700-800 के ये आसपास जो है टैंक रिप्लेसमेंट का इनके लिए कॉस्ट आया था, क्योंकि इंश्योरेंस होने की वजह से, तो क्योंकि एक साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इंश्योरेंस रहने की वजह से जो है हमें प्रोसेसिंग फी लगी सिर्फ। तो जब भी आप गाड़ी ले रहे हो इंश्योरेंस ख़त्म हो गया तो इंश्योरेंस रिन्यू करिए। ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो है यहाँ पे इसके मिरर्स जो थे वो निकाल दिए हैं, और यहाँ पे इन्होंने साइड मिरर लगा दिए हैं। ये मिरर आपने कहाँ से लिया? ये मिरर मैंने दिल्ली से मंगवाया, ऑनलाइन मंगवाया, दिल्ली से मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया है इन्होंने। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्रोम फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल गाड़ी का सस्पेंशन और वाइब्रेशंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? सस्पेंशन अभी तक बहुत ही अच्छा है, और वाइब्रेशन कुछ भी नहीं करती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज टू मच गुड। ओके, तो अभी अगर कोई नया लेना चाहता है, 2024 अभी चालू हो गया है, तो आपका सजेशन क्या रहेगा कि क्रोम ब्रोंज ले या फिर स्टैंडर्ड में जाए, कौन सा ज़्यादा आपको बेटर लगता है? क्रोम ब्रोंज मुझे अच्छी लगती है, ऑब्वियसली ये मेरी फेवरेट बाइक है। ओके, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ही शुड बाय क्रोम ब्रोंज। क्रोम ब्रोंज क्लासिक में ही जाना चाहिए, क्लासिक में ही बाइक। और मिटियोर वगैरह का आपका क्या व्यू है? मेटियोर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे क्लासिक 350 मॉडल अच्छा लगता है। ओके, तो भाई की क्लासिक देख के उनके बड़े भाई ने भी जो है दूसरी एवरेज क्लासिक ले ली है। चैनल पे आपने वीडियो देखा ही होगा, क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक वाला जो है डिलीवरी वाला वीडियो हमने डाला था। तो ओवरऑल जो है ये गाड़ी का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि कबीर सिंह का जो मूवी है उसके अंदर भी यही कलर का जो है गाड़ी यूज़ हुआ है, वहाँ पे हमें पूरा जो है ये कलर देखने को मिला था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे हमें क्रोम देखने को मिलता है। क्रोम की वजह से गाड़ी का लुक और भी एनहांस होता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि क्लासिक में सबसे महंगा मॉडल यही है राइट? सबसे महंगा मॉडल, क्या और कोई है? नहीं, सबसे महंगा मॉडल और टॉप मोस्ट मॉडल यही है। तो क्लासिक में जो है सबसे महंगा और सबसे टॉप में जो चलने वाला मॉडल है यही मॉडल है। और दूसरा कौन सा इसके बाद क्लासिक में? गनमेटल ग्रे? नहीं, टॉप मोस्ट मॉडल। और रेड कलर का भी टैंक वाला आता है, तो दोनों का प्राइस सेम ही है क्या? दोनों का प्राइस सेम ही है। ओके, ब्रॉन्ज रेड और क्रोम ब्रॉन्ज ब्राउन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रोम ब्रॉन्ज में जो हमें देखने को मिलता है, वैसे ही रेड कलर के में भी आती है, तो दोनों का प्राइस लगभग सेम है। क्लासिक में सबसे महंगे जो है यही गाड़ियाँ मिलते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया है गाड़ी की, और अभी तक जो है बहुत ही अच्छा जो है हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, मैंने भी गाड़ी को चलाया है। तो गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।